अबे दिल्ली एनसीआर वालों क्या कर रहे हो, ये देखो फुल मजे ले रहा हूँ मैं। गर्मी में सड़ रहे हो तुम और मैं पानी के मजे ले रहा हूँ। ये देखो भाई, ये लग रहा है एक नंबर नजारा। अगेन वेलकम बैक टू ठाकुर सौरभ व्लॉग। आप लोगों को एक शानदार सी गुड इवनिंग सहस्त्रधारा से। अभी मैं आ गया हूँ सहस्त्रधारा में आप लोगों को अपडेट देने कि क्या हाल है सहस्त्रधारा का, कैसा है वेदर और कैसी है भाई भीड़ भाड़ यहाँ की। तो सारी डिटेल मिलेगी, साथ में कुछ होटल के बारे में भी टिप्स देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और ये देखो मेरे पीछे जबरदस्त लहरें पानी की और फुल मजे ले रहे हैं लोग। बाकी वीडियो को शुरू से देखो कि कैसी अपनी जर्नी। एक क्विक टूर देता हूँ आपको अपने छोटे से रूम का। स्टार्ट होता है वॉशरूम से, जिसमें वेस्टर्न कमोड के साथ शावर है, गीजर है, बेसिक एमिनिटीज है। और यहाँ पर आपको टीवी मिल जाता है, जो कि चलता है कि नहीं चलता है पता नहीं, चेक नहीं किया। एक विंडो है जिससे कि व्यू मिलता है कहाँ का, सड़क का, सहस्त्रधारा की सड़क दिखाई देती है मेन। और यहाँ एक डबल बेड लगा हुआ है, पलंग टाइप ही है कुछ अलग सा, बाकी ठीक ठाक गद्दा लगा हुआ है। और यहाँ मेरा सामान बिखरा हुआ है, लैपटॉप, इंस्टा 360 कैमरा, ड्रोन, ड्रोन की बैटरी चार्जर, हेलमेट। बाकी फटाफट चलते हैं रूम के बाहर। और एक बजट होटल का ये है छोटा सा रिसेप्शन एरिया, जहाँ पर आप अपनी बुकिंग्स कर सकते हो। ये मिल जाती है भाई निर्मल गेस्ट हाउस की पार्किंग। पार्किंग एरिया इनके पास काफ़ी सारा है और इस तरफ भी इनकी पार्किंग है, जहाँ पर जो रूम नहीं लेते हैं वो अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं चार्जेस देके। ये देखो भाई बाहर से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है अपना निर्मल गेस्ट हाउस, जिसमें स्टे है मेरा। और यहाँ से एक छोटी सी सीढ़ी जाती है और ये सीढ़ी आपको सीधा लेके जाएगी सहस्त्रधारा में, जो पूल क्रिएट कर रखा है ना इन लोगों ने, उसमें लेके जाएगा और ठंडी ठंडी पानी का मजा ले सकते हैं आप लोग। और भाई यहाँ से दिखाई देता है पूरा सहस्त्रधारा एकदम जबरदस्त, और काफी लोग मजे कर रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं लेकिन लोग अभी तक पूल में डूबे हुए हैं और दूर दूर तक लोग घुसे हुए हैं पूल के अंदर। मल्टीपल पूल्स क्रिएट कर दिए इन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये जो पूल है सहस्त्रधारा का जो बना रखा है, उसके बिल्कुल ऊपर की तरफ देखोगे तो एक वाटर पार्क भी बना रखा है छोटा सा, काफी अमेजिंग लग रहा है। अभी गर्मी होने की वजह से ना काफी ज्यादा टूरिस्ट है ना देहरादून, मसूरी और हर एक पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा भर भर के जा रहे हैं, तो उसकी वजह से रोड पे काफी रौनक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिल सकता है आप लोगों को। और अपने गेस्ट हाउस से थोड़ा सा चलते ही हम लोग पहुंच जाते हैं एक वाटर पार्क के रास्ते पे, जिसका नाम है जॉयलैंड। ये देखो ये रास्ता जाता है जॉयलैंड वाटर पार्क एंड अम्यूजमेंट पार्क में, ये फ्लाईओवर क्रॉस करके। और यहाँ से भी एक सीढ़ियाँ जाती है जिससे आप सहस्त्रधारा में जा सकते हो। पब्लिक देखो कितनी ज्यादा आई हुई है, ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे रास्ता भी नहीं था चलने का। और यहाँ पर बना हुआ है रोप वे, ये रोप वे आपको ऊपर की तरफ लेके जाता है, एक भोले बाबा का अमेजिंग सा मंदिर बना हुआ है वहां तक के लिए। देखो भाई इस तरफ भी पूरा पैक हो गया है, वहां पर ऊपर की तरफ भी काफी पैक चल रहा है, सारा ही बिल्कुल ओवर क्राउडेड है और जगह नहीं है गाड़ियों के लिए भी, एक एक करके गाड़ियां आती है जाती है। बाकी यहाँ पर शुरू हो जाता है सहस्त्रधारा की मार्केट, काला खट्टा वगैरह है, यानी कि अपना क्या कहते हैं उसे, आइसक्रीम टाइप कुछ जो बनाते हैं, गोला वगैरह। बाकी यहाँ पर ना काफ़ी सारी गेम्स प्ले कर सकते हो आप लोग, लाइक गन से शूटिंग गेम्स हैं, बहुत ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर आपको। पूरी मार्केट में ना जगह जगह कैफेज बने हुए हैं छोटे छोटे से, और इस तरफ वाले जो कैफेज हैं ना सहस्त्रधारा वाली तरफ, वहाँ पर तो आपको रिवर व्यू वाले कैफे मिल जाएंगे, आराम से बैठ के आप खा सकते हो। हाँ रीजनेबल होते हैं, बजट ऑप्शन होते हैं सारे। बाकी यहाँ पर शॉपिंग के कुछ ऑप्शंस आपके साथ अगर आपकी फैमिली आती है तो, और बहुत सारा कुछ है यहाँ पे। थोड़ा और अंदर आने पे देखो यहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है, साथ में फूड ऑप्शन भी है। 60-50 रुपये लॉकर के चार्जेस वगैरह हैं, यहाँ पर आप अपने सारे वैल्यूएबल आइटम्स वगैरह सबमिट करके आराम से नीचे जा सकते हो और नीचे ठंडे ठंडे पानी का मजा ले सकते हो। यहाँ पर लोगों की काफी मस्ती चल रही है, साथ ही साथ सामने की तरफ आप देखोगे तो एक वाटरफॉल सा क्रिएट किया हुआ है, वो भी काफी अमेजिंग लग रहा है, और उसके नीचे खड़े होकर भी काफी लोग मजे कर रहे हैं। रास्ता तो यहाँ से भी होगा शायद उस तरफ जाने का, जो वो वाटरफॉल क्रिएट किया हुआ है, ये पतला सा रास्ता, लेकिन अच्छे रास्ते जाने के लिए क्या है ना कि बीच में एक ओवरब्रिज बना रखा है, वहाँ से जा सकते हैं। तो अभी वहाँ चलते हैं और उस तरफ जाके देखते हैं कि भाई वो एक्चुअल में कैसे बना हुआ है, मतलब नेचुरल बना हुआ है या मैन मेड है, वो तो जाके पता लगेगा। मैंने डिसाइड किया है कि उस ओवरब्रिज पे ना जाके, जो फ्लाईओवर सा बना रखा है वहाँ ना जाके, ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ लेके नीचे की तरफ से ही मैं चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ से जाने का पूरा रास्ता बना रखा है नीचे, बढ़िया सा लग रहा है और इसे पार करने में मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा डीप है ये, लाइक कमर तक पानी है कुछ लोगों के, तो कमर तक ही होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे डूबने का तो कोई सीन बना नहीं रखा होगा।
बाकी इधर ना ट्यूब्स वगैरह रखे हुए हैं, अब ट्यूब्स वगैरह भी आप चार्जेस ले सकते हो और अंदर जाने के लिए, मतलब बच्चे बच्चे हो या फिर तैरना नहीं आता तो ठीक है। भैया क्या लगते हैं चार्जेस इसके ट्यूब के? 50-100, छोटा बड़े का हिसाब किताब है, तो 50 में छोटा और 100 में बड़ा। ये देखो भाई लेके जाओ, छोटे छोटे बच्चे तो मजे ले ही रहे हैं, गर्मी से मजे आ रहे हैं, गर्मी से रात मिली है, मजा आ रहा है। एक बार पानी में कूद के दिखा दे बच्चों को, मैंने बहला फसला दिया है, अभी देखो कूदने वाले हैं पानी में, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो ये कूद ही है, आए हाय भाई नीचे की तरफ आ गया मैं रिस्क लेके, मतलब कैसा करो रिस्क लेके, कोई रिस्क नहीं लिया। बाकी यहाँ पर काफी जबरदस्त वाटर फॉल्स क्रिएट है, काफी लोग नहा रहे हैं, फुल मजे ले रहे हैं। ये देखो भाई ये लग रहा है एक नंबर नजारा, ये ऊपर से आ रहा है बिल्कुल, और नीचे आराम से खड़े होके मजे ले सकते हो, और ज्यादा मजे लेने तो डुबकी लगाओ, पानी एकदम चिल्ड है यहाँ का। यहाँ से थोड़ा और ऊपर चलते हैं भाई, फैमिलीज आई हुई है छोटे छोटे बच्चों के साथ और काफी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे तो। पहुंच गया भाई ऊपर की तरफ, लुक एट दिस सुपर सेक्सी वाटरफॉल, क्या लग रहा है, मतलब मजा आ रहा है देख के यार, मैन मेड है डेफिनेटली लेकिन बहुत अच्छा है। मेरे हाथ में मोबाइल फोन और ये कैम ना होता ना तो डेफिनेटली मैं भाई पानी में जंप मारने वाला था। ये वाटरफॉल देख के ऐसा लग रहा है कि बस घुस जाओगे, कि गर्मी लग रही है बहुत सॉलिड, और गर्मी में राहत कहाँ मिलेगी भाई पानी के अंदर। और इसी के साथ छोटी छोटी सीढ़ियां लेके मैं आ गया हूँ रोड पे। अब रोड से ना वो वाला जो ब्रिज मैंने आपको दिखाया था, उस लोहे वाले ब्रिज के ऊपर जाएंगे, वहां से व्यू देखेंगे कैसा दिखता है, और उसके बाद नीचे की तरफ उतरेंगे, और फिर मेरा प्लान है पानी में छपा छप करने का। लेकिन एक चीज तो है, सहस्त्र धारा मैंने हर जगह आपको पार्किंग तो अवेलेबल हो जाएगी भर भर के, प्लस यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे शॉप्स बने हुए हैं, लाइक यहाँ पर आपको छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे और अच्छे खासे मिल जाएंगे, बजट फ्रेंडली ऑप्शंस तो है ही हैं साथ ही साथ। बाकी इधर देखो भाई हम पहुंच गए फाइनली इस आयरन ब्रिज के ऊपर, जो कि आधा आयरन और आधा सीमेंट से ही बना हुआ है, बाकी यहाँ से व्यू काफी अल्टीमेट सा आ रहा है। लेकिन भाई दिल्ली एनसीआर वालों वीकेंड पे, मतलब जो क्राउड तुम्हें दिख रहा है ना, दिन में अगर मैं दिखाता तो इससे 10 गुना ज्यादा क्राउड था, और वीकेंड पे अगर आप आते हो तो ये जो क्राउड है और इससे 10 गुना ज्यादा जो क्राउड है वो छोड़ दो भाई, रोड पे चलने की पैदल चलने की जगह नहीं मिलेगी, इतना ओवर क्राउडेड है ये। भाई वापस से मार्केट के अंदर आ गए, मतलब मार्केट पार कर लिया है, और अपने गेस्ट हाउस या होटल कह लो, जिस भी जो भी कह लो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी एक छोटी सी अपडेट ये है कि ऑनलाइन अगर आप होटल वगैरह बुक कर रहे हो ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लाइक ओयो वगैरह से करते हो तो वहाँ पर दिखा रहा है कि 1000 के अंडर या 1000 रुपीज़ तक आपको होटल मिल जाएगा, बट आप अगर होटल में वैसे आते हो जनरली तो यहाँ पर आपको ये कह के शायद रूम ना भी दिया जाए कि भाई ऑनलाइन में हमें नहीं बच रहा, जो भी है हम नहीं देंगे। तो ऑनलाइन बुकिंग करना थोड़ा सा इस टाइम पे भीड़ भाड़ के टाइम पे बेकार है, आप डायरेक्टली आओ, डायरेक्टली इनसे बात करके बुक करो रूम वगैरह, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं 5-6 होटल पे गया था और उसके बाद जो रिस्पांस था वही मैंने आपको बताया, मैं किसी होटल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी को प्रॉब्लम हो या ना हो इसके लिए नाम नहीं ले रहा, बाकी सीन चल रहा है। वापस से देखो यहाँ पहुंच गया जहाँ पे जॉयलैंड वाटर पार्क बना हुआ है इनका, और इस एरिया की खास बात है कि यहाँ पे पार्किंग तो अवेलेबल है ही है, साथ में साथ यहाँ पर छोटे मोटे ढाबे भी हैं और साथ में स्टोर्स वगैरह है, लाइक आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी हो ना तो इजीली एमआरपी वगैरह पे मिल जाता है। तो देखो स्टोर के बिल्कुल साथ में एक और प्राइवेट कार पार्किंग अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो आप। पहुंच गए भाई फिर से अपने गेस्ट हाउस के बगल में, और गेस्ट हाउस के बगल वाली सीढ़ियां लेके अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा पानी को चेक करने। देखो ये चीज़ ना मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, यहाँ पर हर तरीके के शॉप्स अवेलेबल है, कॉस्ट्यूम वगैरह मिल जाएंगे आपको, अगर चाय पीनी है मैगी खानी है तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा, और जितना भी ये पूल एरिया बना रखा है ना सबके बगल में चेंजिंग रूम कॉस्ट्यूम लॉकर सब कुछ मिल जाएगा, और ये ट्यूब्स भी मिल जाएंगे, डिफरेंट प्राइजेज हैं हर चीज़ के, और आप इजीली बिना कुछ मतलब अपने ताम झाम के साथ आओ, लॉकर में जमा करो, वैल्यूएबल्स सबमिट करो, आराम से इंजॉय करो अगर आप यहाँ पे रूम लेके रुकने वाले नहीं हो तो। और अगर यहाँ से दूर भी आपका रूम है तो इसीलिए ये चीज़ बेनिफिशियल हो जाती है कि खाने पीने से लेकर सामान की भी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, लॉक करो की अपनी जेब में डालो और इंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ। थोड़ा और अंदर की तरफ आ गया, अब इस तरफ ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है, मतलब सनसेट नहीं होने वाला है लेकिन लग रहा है कि होने वाला है क्योंकि पहाड़ के पीछे चला गया है, तो काफी अच्छा व्यू आ रहा है नजर यहाँ से, और इस तरफ वाले पूल में जो ऊपर से पानी बरस रहा है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग बना रहा है इसे। टाइम आ गया भाई पानी के अंदर जाने का, लेकिन पानी ठंडा ठंडा लग रहा है, सही में ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है यार। ये देखो भाई पूरा ग्रुप ट्यूब में मजे ले रहा है, और वो छोटे वाला भाई कांप रहा है फिर भी तैर रहा है, गर्मी से तो राहत मिलने वाली है लेकिन थोड़ी ठंड भी लग सकती है भाई। फाइनली पहुंच गया अंदर तक भाई, लेकिन पानी बहुत जबरदस्त है, मतलब उतरा था तब ठंड लग रही थी लेकिन अभी लग रहा है कि हाँ मजा आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर नीचे की तरफ ना भाई मोटे मोटे पत्थर है, मैं चप्पल पहन के आया हूँ दिखाओ, चप्पल पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यार, क्योंकि ना इसमें इतने बड़े बड़े पत्थर है ना, मैं बार बार पैर टकरा जा रहे हैं, और चारों तरफ है
तो बिल्कुल बैलेंस रहना पड़ रहा है, वरना तो कांड हो सकता है, चोट बहुत भयंकर भी लग सकती है इसमें, तो डाइव मत करना इसके अंदर कोई भी हो। भाई शाम होने लगी है, 2 से 2.5 घंटे मैंने पानी के अंदर एंजॉय किया है और अब बहुत सारे लोग अपने अपने रूम्स में या फिर अपने घर लौट चुके हैं और अब मेरा भी टाइम हो गया यहाँ से निकलूं, क्योंकि अब लग रही है ठंड, बॉडी कांप रही है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। शाम का वक्त हो गया है, 7:36 हो रहे हैं और इस टाइम पे आप माहौल देख सकते हो भाई सहस्त्रधारा का। अब रोड पे एकदम शांति दिखाई दे रही है, दिन में ओवर क्राउडेड और इवनिंग होते ही सब के सब गायब। लगभग रात का टाइम हो गया और अभी भी 2-4 लोग दिखाई दे रहे हैं पानी के अंदर, बाकी अगर इस तरफ देखोगे रेस्टोरेंट वगैरह तो पूरा रोड और जितने भी मतलब थोड़े बहुत रेस्टोरेंट अभी तक मैंने देखे हैं सब खाली खाली से नजर आ रहे हैं। ये हरियाणवी ढाबा है, यहाँ पे हरियाणवी ढाबे पे थोड़ी सी रौनक लग रही है, इसी में चल के कुछ खाते हैं। तो भाई मैंने ऑर्डर कर दिया एक मसाला डोसा जो कि मेरे सामने आ चुका है और मैंने 2 बाइट खा भी लिए, एवरेज है टेस्ट में, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है लेकिन अच्छा है। और साथ में है कोका कोला की बॉटल, तो फटाफट इसको खत्म करते हैं। आ चुका हूँ रूम के अंदर फिर से और अभी ये जो रायता फैला हुआ है इस रायते को भी समेटना है, साथ ही साथ एडिटिंग करनी है वीडियो की भी, तो आप लोगों से मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। सहस्त्रधारा अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो वीकेंड से बचना, वीकेंड पे ही अगर आपके पास टाइम है तो आ जाओ, लेकिन भाई बहुत भयंकर वाला ट्रैफिक मिलने वाला है और दिन में सॉलिड गर्मी लगने वाली है। लेकिन एक फायदा है कि देहरादून के अंदर सहस्त्रधारा के आसपास के इलाके में आप जब स्कूटी या कार भी चलाओगे विंडो वगैरह ओपन करके भी, तो ठंडी हवा आती है, गर्म हवा नहीं आती है लेकिन टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है, स्वेटिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती है, अच्छा है ये चीज़। दिल्ली से तो बहुत बेटर मौसम है, बाकी वीकेंड पे बहुत भयंकर भीड़ मिलने वाली है, पैदल चलने में भी आपको दिक्कत होने वाली है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कोशिश करो कि वीकडेज में आ जाओ, थोड़ा कम मिलेगा। आज जो मैंने दिखाया वो भी बहुत था, उससे भी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उससे भी ज़्यादा लोग आते हैं। तो अगर इसी तरीके की वीडियोज़ देखना पसंद है, अपडेट पसंद है ट्रैवल पे, तो इस चैनल को मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप लोगों से मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।